इंदौर समाज सेवक और विकास मित्र 2050 के किशोर वाडवानी ने आज प्रेस से चर्चा करते हुए बताया कि जिला प्रशासन द्वारा 16 जून से कोरोना मरीजों के आंकड़े सार्वजनिक करना बंद किए गए हैं। इससे कोरोना के आंकड़ों में फेरबदल नजर आ रहा है, जिसे प्रशासन छुपा रहा है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण काल में जो मेडिकल स्टाफ और निगम कर्मियों से संक्रमण फैला है, उसे लेकर कई सतर्कताएं नहीं रखी गई। कई आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना मरीजों को धर्म आधारित बांटा जा रहा है। पहले जोन और क्षेत्रों के आंकड़े जारी होते थे, 15 मई के बाद से धर्म आधारित आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। बाइफिकेशन किया, ज्ञापन नहीं, ये 17 दिन का एनालिसिस एक पार्ट किया है, 21 दिन का आखिरी के 3 हफ्ते का अलग से और बनाया। ये दोनों की जो केस स्टडी है जिसके कारण कोरोना फैला है, अभी तक दुनिया में कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में तो सबसे आखिरी में आया है और इंदौर में तो बहुत बाद में आया। तो जब पूरी दुनिया में सेकेंड राउंड ले रहा है कोरोना, तो इंदौर में तो अभी ये संभावनाएं और है। सारे विश्व रिकॉर्ड, WHO, चाहे भारत सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्रालय, वो कह रहा है कि एक और दौर आएगा। इसका मतलब इंदौर में 2000 मौत और 15000 का जो उनका आकलन है वो सत्य सिद्ध होगा। लेकिन वो स्थिति से बचने के लिए ये सारी अध्ययन रिपोर्ट जो है, इसके आधार पर न्याय शरण में जाने का मन बना है। किशोर कोडवानी, विकास मित्र, दृष्टि 2050। 3 प्रमुख बिंदु हैं इंदौर के कोरोना के मामले में, और उसका प्रमुख जो आधार है कि दुनिया और देश में सबसे अधिक कोरोना प्रभावित इंदौर में कैसे और क्यों हुए। 9 अप्रैल को जो सूची मुझे मिली थी, उसमें 241 की सूची मिली है, और इंदौर स्वास्थ्य विभाग ने जो प्रेस रिलीज किया उसमें 235 बताए, राज्य सरकार ने 235 बताए। मृतकों की संख्या में इंदौर ने 23, राज्य सरकार ने 26, और सूची में जो अप्रैल की मिली थी उसमें 23 हैं। और जब आखिरी दिन की जो सूची मिली है उसमें अलग अलग तारीखों में जो एंट्रियों को उस तारीख पे कन्वर्ट किया तो 41 मृतक मिले। सूची में 241 में से 2 नाम उड़ा दिए, 4 नाम बढ़ा दिए, 5 नाम अलग अलग तारीखों पे एंट्री की हुई है। ये सारी हेरा फेरी तीनों शीटों को कंपाइल करके एक्सेल में जब रिजल्ट निकाला तो ये तथ्य उभर के आए। दूसरी चीज़ उसमें यह उभर के आई कि 200 के लगभग हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स, और 2000 के लगभग पुलिस कर्मी हैं, 10 से 12 हज़ार स्वास्थ्य कर्मी नगर निगम के। पुलिस कर्मी और मेडिकल के जो स्टाफ है वो 5% प्रभावित हुए हैं इस कोरोना में। तो 12,000 कर्मचारियों में जो हर आदमी के टच में था, जो सबसे ज़्यादा कोरोना के जीवाणुओं को संग्रहित कर रहा था, तो उनकी मात्रा यदि आप निकालोगे तो बड़ी संख्या निकलेगी। वो करीबन 15 से 20% योद्धा कोरोना प्रभावित हुए। तो वो योद्धा जो हर आदमी के संपर्क में आया उसने ये पूरा कोरोना फैलाया। प्रशासन कह रहा है सोशल डिस्टेंसिंग हमने मेंटेन की और लॉकडाउन मेंटेन किया। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जेल से ज़्यादा कहीं नहीं हो सकती, और वहाँ 43 मरीज पैदा हो गए। ये प्रशासन की अदूरदृष्टिता और गलत निर्णय लेने का परिणाम। दूसरा, बात खड़ी की थी झंडे और डंडे पर, मुसलमानों के बारे में इनने बात उठाई थी। पहले 6 दिन के अंदर 67%, दूसरे 6 दिन में 87%, तीसरे में 61%, और टोटल जब 74 दिन का हिसाब बनाया तो 23% मुसलमान हुए। जबकि टाट बट्टी वाखल और मिल एरिया का कोई आपसी संपर्क नहीं है, न व्यवहारिक, न व्यवसायिक, न नौकरी पेशे का, न जाति धर्म का। इससे मतलब ये देखा जा रहा है कि प्रशासन कोरोना वायरस को धर्म से जोड़ रहा है। जोड़ा है, 15 मई से इस रिकॉर्ड को धर्म आधारित बांटा है। अब इनसे पूछो कि क्या क्रिश्चियन हिंदू है, क्या बौद्धी हिंदू है, क्या जैनी हिंदू है, क्या सिख हिंदू है, इन सबको हिंदू की कैटेगरी में डाला है। पहली बात तो मरीज और मौत धर्म आधारित होती नहीं है। ये कैसे इंदौर प्रशासन ने या राज्य सरकार ने ये बाइफिकेशन किया?
विज्ञापन नहीं, ये 17 दिन का एनएलए सेशन एक पार्ट किया है, 21 दिन का आखिरी के 3 हफ्ते का अलग से और बनाया है। ये दोनों की जो केस स्टडी है जिसके कारण कोरोना फैला है, अभी तक दुनिया में कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, हिंदुस्तान में तो सबसे आखिरी में आया है और इंदौर में तो बहुत बाद में आया। तो जब पूरी दुनिया में सेकेंड राउंड ले रहा है कोरोना, तो इंदौर में तो अभी ये संभावनाएं और है। सारे विश्व रिकॉर्ड, WHO चाहे भारत सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्रालय, वो कह रहा है कि एक और दौर आएगा। इसका मतलब इंदौर में 2000 मौत और 15000 का जो उनका आकलन है वो सत्य सिद्ध होगा। लेकिन वो स्थिति से बचने के लिए ये सारी अध्ययन रिपोर्ट जो है इसके आधार पर न्याय शरण में जाने का मन बना है। किशोर कोडवानी, विकास मित्र, दृष्टि 2050। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।